सो हेलो फ्रेंड्स, कि आपका बैंक अकाउंट SBI पर है और आप एक ऑनलाइन फिक्स डिपॉजिट खोलना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इससे पहले मेरे चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको SBI के वेबसाइट पर ऑनलाइन FD क्रिएट करना है तो सबसे पहला जो चीज़ है आपका नेट बैंकिंग एक्टिवेट होना चाहिए। तो अगर एक्टिवेट नहीं है नेट बैंकिंग तो आप अपने ब्रांच पर जाइए और वहाँ उनको बोलिए कि आपको नेट बैंकिंग भी करना है, तो एक वो फॉर्म देंगे, वो फॉर्म फिलअप कीजिए और उनको आप वो दे दीजिए। फिर वो आपको एक किट देंगे, उसमें आपका यूजर नेम पासवर्ड सब रहता है और वहाँ उसका क्या प्रोसेस है वो लिखा रहता है, उससे आप नेट बैंकिंग खोल सकते हैं। तो एक बार नेट बैंकिंग खुल गया, अब हम अपना ऑनलाइन FD क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, वीडियो एंड तक देखिए तभी आप समझ पाएंगे, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए हम गूगल वेबसाइट खोलते हैं। इसके बाद हमको यहाँ सर्च करना है ऑनलाइन SBI। ऑनलाइन SBI लिख के अब आप बस सर्च कर दीजिए। इसके बाद देखिए इधर आ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस पर आप क्लिक कीजिए। तो देखिए इधर दो चीज़ है, एक पर्सनल बैंकिंग एक कॉरपोरेट बैंकिंग। आपको पर्सनल बैंकिंग पे लॉगिन करना है। इसके बाद यहाँ देखिए कंटिन्यू लॉगिन लिखा है, इस पर क्लिक करना है। अब वो आपको एक यूजर नेम दिया होगा और पासवर्ड आप क्रिएट किए होंगे, उसको यहाँ डाल देना है। इसके बाद यहाँ देखिए एक कैप्चा है, वो कैप्चा को इधर डालना है, यहाँ जो लिखा है मतलब इसी को इधर डाल देना है। ये देखिए स्मॉल लेटर में PNY3R डाल दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ जाके लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल पे एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, वो इधर डाल देना है। अब हमको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, जो स्टेप्स अभी मैं आपको बताऊंगा वो अगर आप मोबाइल पे यूज कर रहे हैं वहाँ भी योनो का जो ऐप है वहाँ जाकर भी ये सेम प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। तो हमको फिक्स डिपॉजिट करना है, तो यहाँ देखिए ऊपर डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट है, इस पर बस छू देना है। इसके बाद यहाँ देखिए फिक्स डिपॉजिट आ गया, आपको फिक्स डिपॉजिट करना है, इस पर क्लिक करना है। अब इस तरीके का एक पेज खुल जाएगा, हमको ऊपर फिक्स डिपॉजिट जो लिखा है इस पर क्लिक कर देना है। अब इस तरीके का एक पेज खुल जाएगा, यहाँ देखिए फिक्स डिपॉजिट ETDR ESTDR ये सिलेक्ट है, ये सिलेक्ट रहने दीजिए। और अगर आपको इनकम टैक्स सेविंग स्कीम अगर डालना है तो आप इसको बदल भी सकते हैं, हम ये सब नहीं करेंगे, हम बस नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट करेंगे। तो इधर क्लिक करते हैं, अब हमको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब ये पेज खुल जाएगा, तो आपको जितना अमाउंट आपको डालना है, जितना अमाउंट का आपको FD करना है उस अमाउंट लिख देना है। मैं चलिए आपको दिखाता हूँ, मुझे 1000 रुपये मुझे करना है तो मैं 1000 लिख दिया। इसके बाद अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो यहाँ आपको टिक करना है, मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूँ तो मैं इसको अनटिक रखता हूँ। इसके बाद यहाँ देखिए पूछा है सिलेक्ट टर्म डिपॉजिट ऑप्शन, टर्म डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट को टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं। ये देखिए दो ऑप्शन है, एक क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट पीरियड मैच्योरिटी, एक नॉन क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट पीरियड सिलेक्टेड इंटरवल्स, इसको आप समझिए। ये पहला ऑप्शन अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको आखिर में मिलेगा, मतलब आप एक साल के लिए आप FD करते हैं तो पूरा इंटरेस्ट सब आपको एक साल के बाद मिलेगा। अगर आप ये दूसरा ऑप्शन करते हैं तो आपको हर 3 महीने में हर इंटरवल में कुछ कुछ वो इंटरेस्ट देता रहेगा। मान लीजिए मैं अभी 1000 किया, इसका मान लीजिए 3 महीने में इसका इंटरेस्ट हुआ 20 रुपया, तो 20 रुपया अगर मैं TDR करूँगा तो 20 रुपया मेरे अकाउंट में आ जाएगा, उसके 3 महीने बाद फिर वो 20 रुपया आ जाएगा। लेकिन अगर ESTDR करूँगा तो मान लीजिए 1000 का एक साल के बाद होता है, मान लीजिए 1060 रुपया, तो वो 60 रुपया एक साथ 1060 रुपया पर एक साथ मेरे अकाउंट में आएगा। तो मैं ये STDR ही सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद आपको कितना दिन तक डिपॉजिट करना है इसका डिटेल्स देना है, आप डेज में दे सकते हैं, ईयर्स में दे सकते हैं और ये एक डेट भी यहाँ डाल सकते हैं कि इतना दिन तक मुझे करना है। चलिए मैं ईयर्स में देता हूँ, मुझे एक साल का करना है तो ईयर्स में डाल देता हूँ। इसके बाद मुझे एक साल करना है, एक साल देता हूँ, 0 मंथ 0 डे रहने दीजिए। अब देखिए इधर लिखा है प्लीज चूज मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन फॉर योर टर्म डिपॉजिट अकाउंट, मतलब जब आपका ये मैच्योर हो जाएगा एक साल के बाद उसके बाद उस पैसे का क्या करना है ये आपको इधर चूज करना है।
तो अगर मैं ये पहला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मतलब ये क्या है ऑटो रिन्यू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, इसके बाद अगर मैं यहाँ और एक साल दे देता हूँ तो क्या होगा, जब एक साल के बाद मेरा मैच्योर हो जाएगा मतलब 1000 रुपया वो इंटरेस्ट मान लीजिए कि जब 60 रुपया हुआ तो और एक साल के लिए वो ऑटोमेटिक वो FD में फिर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं ये दूसरा ऑप्शन चूज करता हूँ यह है ऑटो रिन्यू प्रिंसिपल एंड रिपे इंटरेस्ट, इसका मतलब वो मान लीजिए 1060 रुपया हुआ उसमें क्या करेगा, वो 60 रुपया आपके अकाउंट में वो डाल देगा सेविंग अकाउंट में और जो 1000 है उसको फिर एक बार वो फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट कर लेगा। अगर आप रिपे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पे चूज करते हैं तो पूरा वो 1060 रुपया आपके अकाउंट में वो डाल देगा। सो मैं प्रेफर करता हूँ ऑटो रिन्यू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, मतलब जो भी मैच्योरिटी होगा वो पूरा अमाउंट फिर एक साल के लिए वो FD में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें हमको ईयर डालना है, 1 साल 0 महीना 0 दिन। इसके बाद आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर देना और हमको सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। अगर आप इधर किसको नॉमिनी डाले हैं तो ये इधर लिखेगा होल्डिंग आर द नॉमिनी, अगर आप पहले से डाले होंगे तो इधर आएगा। तो इसको ये जो नॉमिनी है इसको आप अपने टर्म डिपॉजिट अकाउंट पे इसको आप मैप करना चाहेंगे, ये पूछेगा, ये आपको यस करना तो यस करिए, नो करना है तो नो करिए। चलिए मैं यस कर देता हूँ, इसके बाद कॉन्फर्म पे क्लिक कर देना है। अब देखिए आपका ये फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्रिएट हो गया, ये पूरा इधर डिटेल देगा कितना परसेंट इंटरेस्ट है, कितना रुपये आपका होगा मैच्योरिटी में। देखिए मुझे 1069 रुपीज़ मिलेगा, मैच्योरिटी डेट क्या है ये भी इधर आ जाएगा। तो बस आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुल गया। तो इसी तरीके से दोस्तों आप SBI पर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।